स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज MCQs डिस्कस कर रहे हैं जो आपके आने वाले नीट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। आज का थीम है MCQs और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप सभी जानते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि हमारी लाइव क्लासेस 1 अक्टूबर से चालू होने वाली है। उसके अंदर मैं पहली बार लाइव बैच पढ़ाऊंगा फॉर द क्लास 12th एंड द नीट एस्पायरेंट्स। क्लास 12th का पूरा सिलेबस आपका उसमें मैं पूरा करूंगा और नीट लेवल की जो उसमें प्रिपरेशन है, जो 12th क्लास का कोर्स उससे एसोसिएटेड है, वो भी हम लोग पूरा डील करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त क्लासेस होने वाली है, ये मज़ा आएगा। ब्रेक थ्रू प्राइजेस के ऊपर, बिल्कुल कम कॉस्टिंग के ऊपर हमने उस कोर्स को लॉन्च किया है जस्ट आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग भरपूर मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, टेलीफोन के ऊपर यदि कोई जानकारी चाहिए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करोगे हम उतना ही जल्दी बैच को स्टार्ट करेंगे। सीट्स लिमिटेड है बिकॉज आई डोंट डू एनीथिंग फॉर प्रॉफिट, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए एक लिमिटेड नंबर के स्टूडेंट्स होने के बाद में मैं रजिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से क्लोज कर दूंगा। इसलिए रश जितना जल्दी हो सकता है उसको आप उस कोर्स को लीजिए। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो और वो है MCQs ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दिस इज पार्ट 6। 5 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं, उनको जरूर देखिए। इनमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके नीट में पूछ लिए जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में प्रति टर्न बेस पेयर्स की संख्या सबसे अधिक होती है। मतलब यहाँ पर आपको 4 अलग अलग प्रकार के डीएनए दिए गए हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए। आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा डीएनए है जिसमें बेस पेयर्स की संख्या सबसे अधिक होती है प्रति टर्न, प्रति टर्न। क्लियर? सबसे पहले मैं लेता हूं ए डीएनए। आपको मैं बता दूं ए डीएनए के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न 11 होते हैं। नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न कितने होते हैं? 11। बी डीएनए की बात करें, सबसे कॉमन डीएनए वॉटसन क्रिक के द्वारा खोजा गया डीएनए, तो बी डीएनए के अंदर पर टर्न बेस पेयर्स की संख्या 10 होती है। सी डीएनए के अंदर पर टर्न बेस पेयर्स की संख्या 9.33 होती है। और जेड डीएनए के अंदर बेस पेयर्स की संख्या पर टर्न 12 होती है। 12 बेस पेयर्स आर फाउंड पर टर्न इन जेड डीएनए, राइट? तो ये जो जेड डीएनए है जिसकी खोज अलेक्जेंडर रिच ने की थी, उसके अंदर सबसे ज्यादा बेस पेयर्स होते हैं पर टर्न। कितने होते हैं पर टर्न? दे आर 12 बेस पेयर्स पर टर्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यूकैरियोटिक सेल से संबंधित कितने प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। वापिस से बोल रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल पूछा है, प्रोकैरियोटिक नहीं पूछा है। यूकैरियोटिक सेल से संबंधित कितने प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल से संबंधित कितने प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं? तो आपको बच्चों बता दूं, यूकैरियोटिक सेल से एसोसिएटेड 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। कौन कौन से? आपने नहीं सुना हो तो अभी क्लियर कर लो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्लीसन। क्या बोल रहा हूं? अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्लीसन। कुल मिलाकर कितने प्रकार के हो गए भैया? 5 प्रकार के। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। यूकैरियोटिक सेल से संबंधित कितने प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं? तो 5 प्रकार के। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी 5 ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, डीएनए रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन तो समझते हो ना, प्रतिकृतियन, राइट? डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन सबने पढ़ा है और आप सब जानते हो कि डीएनए रेप्लिकेशन को समझाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा होता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृतियन की अर्ध संरक्षी विधि। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? डीएनए प्रतिकृतियन की अर्ध संरक्षी विधि सर्वश्रेष्ठ है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज द बेस्ट वन, विच सेज एंड सजेस्ट दैट
in each generation 50% of the DNA of the previous generation is conserved. DNA प्रतिकृतियों की अर्ध संरक्षण विधि यह बताती है कि हर पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए क्या होता है, कंजर्व होता है। तो मुझे बताओ, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव हुआ। लेकिन साथ के साथ आपने एक चीज और भी देखी होगी कि जब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाते हैं तो डीएनए के पेरेंट डीएनए के दोनों रज्जू टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। ऐसे तो आपने देखा होगा कि एक टेम्पलेट के ऊपर तो कंटिन्यूअस चेन बनती है और एक टेम्पलेट के ऊपर क्या बनती है, डिसकंटिन्यूअस चेन बनती है। यस और नो, ऐसे टुकड़ों के अंदर बनती है। तो हम क्या कहते हैं, एक तरफ तो होता है कंटिन्यूअस सिंथेसिस और एक तरफ होता है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। एनसीईआरटी में भी जाके देखना है, लिखा हुआ है। एक तरफ होता है कंटिन्यूअस सिंथेसिस, एक तरफ होता है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। याद करो, जो कंटिन्यूअस चेन होती है उसको लीडिंग चेन कहते हैं और जो डिसकंटिन्यूअस चेन होती है, जो ओकाजा के फ्रेगमेंट से बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन ना केवल सेमी कंजर्वेटिव है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन साथ ही साथ कैसा होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस या सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये देखो, सेमी कंजर्वेटिव, कंटिन्यूअस एंड यूनिडायरेक्शन, कंजर्वेटिव एंड कंटिन्यूअस, नो, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस और सेमी कंटिन्यूअस एंड कंजर्वेटिव। तो याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव और सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि ये जो एक चेन बनती है तो कंटिन्यूअस है, लेकिन दूसरी चेन डिसकंटिन्यूअस होती है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव यानी कि अर्ध संरक्षी और सेमी डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो सेमी डिसकंटिन्यूअस भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, सी, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। आर यू गेटिंग। चलो अब आते हैं, प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए है। आप एनसीईआरटी में जब पढ़ते हैं तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि एमआरएनए जो है, प्रोकैरियोट्स का जो एमआरएनए होता है वो हमेशा पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है और यूकैरियोट्स का जो आरएनए होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। आर यू गेटिंग। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसके पास में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचना निहित हो, और मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचना निहित हो, राइट। तो प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए होता है, हमेशा याद रखना, प्रोकैरियोट्स का जो एमआरएनए होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोनोसिस्ट्रॉनिक फॉर्म्ड बाय स्प्लाइसिंग ऑफ एचएनआरएनए या कह रही जेनेटिक मैसेज टू डीएनए। याद रखना, प्रोकैरियोट्स का जो आरएनए है वो कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। आपको एक चीज बता दूं, एमआरएनए दो तरीके का होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स की विशेषता है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है वो प्रोकैरियोट्स की विशेषता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक के अंदर एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण करने के लिए आनुवंशिक सूचना होती है। मोनोसिस्ट्रॉनिक के अंदर केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए आनुवंशिक सूचना होती है। तो प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कोडोन ओकर कहलाता है। निम्न में से कौन सा कोडोन ओकर कहलाता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। UAA, UAG, UGA, ये स्टॉप कोडोन होते हैं, इनको बोलते हैं ओकर, फिर बोलते हैं अंबर और इसको बोलते हैं ओकर अंबर ओपिल। UAA, UAG, UGA, ये तो सुना होगा, ये स्टॉप कोडोन होते हैं, सब टर्मिनेटिंग कोडोन है, नॉनसेंस कोडोन है। तो निम्न में से कौन सा कोडोन ओकर कहलाता है, UAG, UGA, UAA। जरा देखना कहां लिखा है, ये रहा, UAA को क्या बोलते हैं, सामने क्लियर कट सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है, UAA को हम क्या बोलते हैं, ओकर बोलते हैं। UAA को क्या बोलते हैं भैया, ओकर बोला जाता है। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। एमआरएनए पर राइबोसोम की गति को क्या कहते हैं। आपने यदि प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ा है और यदि नहीं भी पढ़ा है तो मेरा वीडियो देखिए। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो राइबोसोम की यूनिट्स एमआरएनए पर गति करती है। तो एमआरएनए पर राइबोसोम की गति को क्या कहते हैं, तो एमआरएनए पर राइबोसोमल यूनिट्स की गति को बेटा हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। और आपने सुना होगा कि एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम की सब यूनिट्स की गति ट्रांसलोकेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो ट्रांसलोकेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है भैया, ट्रांसलोकेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर
फाइव का तो आंसर कौन सा था भाई, सी UAA। और क्वेश्चन नंबर सिक्स, mRNA पर राइबोसोम की गति को क्या कहते हैं, तो ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या है, सी, राइट। तो mRNA पर राइबोसोम की गति को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान किस तकनीक द्वारा डीएनए खंडों को पृथक किया जाता है। आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी होगी और उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के में स्टेप्स पढ़ाते हैं हम लोग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान किस तकनीक द्वारा डीएनए के खंडों को पृथक किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी डन ओनली बाय वन मेथड एंड विच इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड, और उसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान किस तकनीक द्वारा डीएनए खंडों को पृथक किया जाता है। तो याद रखना, सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स, सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी डन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखो, ऑटो रेडियोग्राफी, हाइब्रिडाइजेशन, डीनेचुरेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आंसर कौन सा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन नंबर सेवन का जो आंसर है वो है डी, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान किस तकनीक द्वारा डीएनए खंडों को पृथक किया जाता है। वापिस से बोलूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान किस तकनीक द्वारा डीएनए खंडों को पृथक किया जाता है, तो वो कौन सा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या था भाई, डी। लास्ट स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अंतिम चरण क्या है। आपको याद हो तो अंतिम चरण से पहले एक चरण होता है कि नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर जो डीएनए के बेंड्स को हमने ब्लॉट कर दिया था, उसके साथ में वीएनटीआर प्रोब के साथ में हाइब्रिडाइज किया जाता है। और अब डीएनए और अब हाइब्रिडाइजेशन को देखने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन संकरण हुआ या नहीं हुआ उसको देखने के लिए हम एक्सरे फिल्म ऊपर लगाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। तो याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो आखिरी स्टेप है वो है ऑटो रेडियोग्राफी। तो देखते हैं क्या है लास्ट स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, हाइब्रिडाइजेशन या वांछित डीएनए का पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए। तो याद रखो, लास्ट स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑटो रेडियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर एट्थ का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए भैया, बी। क्वेश्चन नंबर एट्थ का आंसर बेटा कौन सा है, बी है, ठीक है। तो ये पार्ट सिक्स था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और आने वाले दिनों के अंदर नीट एग्जाम आ रहा है, पूरा फोकस रिविजन के ऊपर कीजिए और साथ के साथ ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और जो नीट वाले बच्चे हैं, जो 11th और 12th फाउंडेशन करना चाहते हैं, ड्रॉपर वाले जो बच्चे हैं, उन सब के लिए भी बहुत जल्दी हम लोग जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर पूरे ईयर लॉन्ग बैचेस भी स्टार्ट करेंगे। सो वेट कीजिए, तब तक के लिए अलविदा, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। नमस्ते, जय हिंद। Thank you.